गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर मनीष कुमार, टीचर बॉयज मिडिल स्कूल नोटा। आपको एट क्लास की एसएसटी पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हम हमारे टॉपिक जो है वो मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज है। तो ये बच्चों हमने पढ़ा भी था कि मिनरल्स क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या होती है, इसके यूजेस क्या है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो आज जो मेन टॉपिक हमारा है वो पावर रिसोर्सेज है। तो बच्चों पावर रिसोर्सेज देखो, पावर रिसोर्सेज जो है ये दो तरह के होते हैं, एक कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, दूसरा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो है देखो, इसमें मैंने डेफिनेशन लिखी है, क्या है, द नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन ए लिमिटेड क्वांटिटी एंड आर बीइंग यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। साथ में मैंने लिखा है नॉन रिन्यूएबल। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो है ये क्या होते हैं, इनकी क्वांटिटी जो है वो बड़ी लिमिटेड होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एक्सेट्रा। तो ये है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि क्या मैंने क्या बताया आपको इसमें कि इसकी क्वांटिटी बड़ी लिमिटेड होती है। तो ये नॉन रिन्यूएबल है, इसको हम दोबारा तैयार नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इसे तैयार भी करेंगे तो इस पे तैयार करने में काफी समय लगता है, काफी साल लगते हैं। जैसे ये एग्जांपल है इसकी कोल है, कोल को तैयार करने में भी काफी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो इनका इस्तेमाल हमें बड़े सोच समझ कर करना चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो इसका दूसरी टाइप है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज तो ये क्या है, दोज रिसोर्सेज विच आर कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड बाई नेचुरल प्रोसेस। तो नेचुरल प्रोसेस से ये हम कंटिन्यूस को तैयार करते जाते हैं। दिस कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड इजिली, कैन बी जनरेटेड कॉन्स्टेंटली, सो कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। इसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं ये, क्योंकि ये जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होती है। तो ये क्या मैंने आपको बताया कि ये रिन्यूएबल है, यानी कि हम इसको दोबारा से तैयार कर सकते हैं और जल्दी तैयार कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है सोलर, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस, हाइड्रो एनर्जी है, एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है देखिए, तो सोलर एनर्जी जैसे हम इसको एकदम से तैयार कर सकते हैं, घर पे आपके पास इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर के साथ आपने सोलर प्लेट लगाई होती है, तो रोज वो जैसे वो इन्वर्टर को चार्ज करता है, बैटरी हमारी रोज चार्ज हो जाती है। तो शाम को हम उसे खत्म करेंगे तो सुबह हम दोबारा फिर से उसको चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह से टाइडल एनर्जी भी होती है, बायोगैस है, हाइड्रो एनर्जी है, इनको हम बार बार जल्दी जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो फिर है इसमें ये जो नॉन कन्वेंशनल, ये कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो है इसकी भी आगे दो टाइप्स है, देखिए एक टाइप आ गई कमर्शियल, दूसरा आ गया नॉन कमर्शियल।
कमर्शियल, कमर्शियल के एग्जांपल हम क्या लेंगे, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेट्रा। तो नॉन कमर्शियल के एग्जांपल हम लेंगे फायरवुड, स्ट्रॉ, ड्राई डंग, एक्सेट्रा। तो ये थी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, इसकी टाइप मैंने आपको बताई, एक होती है कमर्शियल, दूसरी होती है नॉन कमर्शियल। कमर्शियल में एग्जांपल दी मैंने, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो नॉन कमर्शियल की एग्जांपल मैंने आपको बताई, फायरवुड, स्ट्रॉ, ड्राई डंग। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।